कौन है? शालू। शालू है? ओए लुच्चे, शालू मेम साहब, बेबी की सौतेली अम्मा। अम्मा? अम्मा ऐसी होती है क्या? मेम साहब जी नमस्ते। नमस्ते मेम साहब जी। तू यहाँ क्या कर रही है? बम्बई घूमने आई हो जी। ये मेरा आदमी बलवान सिंह। ओए नमस्ते का पैर पर। मैं ये देख रहा था ये ऊंचे लोग नीचे से कैसे लगते हैं। गॉड देहाती देहाती कमीने, क्यों कर रहा था तू उधर है? करो है तो इतने साड़े के नीचे सेवा की पड़ी, क्या मेरे को मौका नहीं देगी? इनकी गड्डी तो मैं चलाना लेफ्ट राइट में। बलवान रुकी, क्या है? तुसे बड़ी सोनी हो जी। कमल इससे कहो ये बंद करे। ओ बलवान बात कर। ओ रहने दे मेम साहब, सोनी है। ओ स्टॉप इट, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेम साहब जी, हम लोग ना आरती बेबी से मिलने आए हैं। ऐसी क्या बात हो गई राजा और उसमें कि तुमसे मतलब? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, नफरत करती है तुम लोगों से, वो तुम लोगों को भूल जाना चाहती है वो। मुझे आपकी बात का यकीन नहीं है। Shut up and get out of here. और दोबारा आने की यहाँ हिम्मत मत करना, समझे? ओए बस कर, सत श्रीकाल। ओए चल चल। नहीं पलवान, बात तो सुन पलवान। चल पलवान, चल पलवान, रुक जा। की है पलवान? वो देख, ओए ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ राजा, हमने अपनी आंखों से बेबी के हाथों में बच्चे को देखा था। तेरा बच्चा बड़ा प्यारा है राजा। आरती ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों है? वो तेरा बच्चा है, हमको पता तक नहीं है। वो तेरा बच्चा है, तेरा अपना खून है यार, हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। आज करवा चौथ है और हर सुहागन की तरह आज मैं भी दुआ मांगती हूँ कि मेरा सुहाग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उन्हें मेरी उम्र लग जाए। मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ अभी। हाँ, चल जाए। यस डैड। क्या कह रहे तू? पुलिस को फोन कर रहा हूँ डैड। डैड गधे का बच्चा है तू, मेरी औलाद नहीं हो सकता। लेकिन डैड आप ही ने तो। सुन, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिल सकता। क्या? राजा और उसके बच्चे की गर्दन काट देते हैं। डैड सुन, किसी को शक भी नहीं होगा,
आरती आजाद हो जाएगी। हाँ, फिर तेरा ब्याह उसके साथ कर देंगे। इस तरह जीजे की सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में है। और सुन, हाँ, अपनी बुआ से बात मत करना, बिल्कुल मत करना। नहीं, क्यों डैड? बहुत बेवकूफ है। हाँ, मैं जानता हूँ एक दिन मुझे ले डूबेगी, लेकिन उसका पत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता साफ कर देंगे। ओह डैड, यूर अ जीनियस, यूर अ जीनियस। अब हमको ये पता लगाना है कि राजा बच्चे को लेकर कहाँ गया है। जीजा जी, जीजा जी, पुलिस ये जानना चाहती है कि राजा बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है। पालन खेत, वो देखिए ना फूलों की हालत। आप तो माली को डांटते भी नहीं। मैं माली बन जाऊं? नहीं। आरती, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं आरती, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बेटे। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था बेटे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तुमने राजा को तलाक नामा भेज दिया? तलाक नामा मैंने भेजा था चाची, रिश्ता मैं तोड़ना चाहती थी। मेरे पेट में तो बच्चा था चाची, मैं तो सफर भी नहीं कर सकती थी। और राजा ने चाहा मैं अपना बच्चा गिरा दूं, इतनी नफरत करता है वो मुझसे। आरती, ये तू क्या कह रही है? राजा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? मैं मानती हूँ वो अलग है, पुराने ख्यालात का है, लेकिन आज भी आरती वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। वो तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा मामा तुम्हारे दस्तखत किए हुए तलाक नामे के साथ यहाँ आए थे। पूछो अपनी माँ से, आरती पूछो, वो यहाँ रिश्ता तोड़ने आई थी कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता, हकीकत क्या है? नहीं, सच बता वरना तेरे चमड़े उतर लूंगा। बता। बताती हूँ, बताती हूँ। तलाकनामा पर राजा का दस्तखत नहीं था, भाई का था। राजा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था आरती के साथ, हम आरती और राजा का घर तोड़ना चाहते थे। आपकी जायदाद और आपकी बेटी पर काबू रखने के लिए। मेरी बेटी का घर बर्बाद किया जायदाद के लिए? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरती, तू इसे बचाना चाहती है, इसे जिसे तेरा घर तोड़ा? नहीं पापा, मैंने अपना घर खुद तोड़ा, किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन माँ, एक बात मैं कह दूं, मैं बिन माँ की औलाद हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात का अंधविश्वास किया, क्योंकि तुमने मुझे माँ का वास्ता दिया, और माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। कभी किसी औलाद की जिंदगी के साथ माँ का नाम लेकर खिलवाड़ मत करना, वरना आज के बाद कोई किसी माँ पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आरती। आरती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल सुबह का सूरज निकलते ही राजा अपने बच्चे को लेकर सीधे अपने घर चलाएगा, वहां हम तुम्हारा मिलाप करवा देंगे बेटी, है ना?